हेलो गाइस, आई एम रियली वेरी सॉरी। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से क्लास स्टार्ट होने में देर हो गई। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर इट। हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब? इट्स वेरी नाइस टू सी यू अगेन। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जब हम बात करते हैं ना, अगर ऐसा होता तो, अगर मैं अमीर होती तो मैं वहाँ जाती, अगर मैं ऐसा काम करती तो ऐसा होता। तो आज हम काल्पनिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो हम सोचते हैं, कि जो हम इमेजिन करते हैं, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं इतनी बड़ी कार खरीदती, अगर मैं लॉटरी जीत जाती तो ऐसा होता, तो अगर वो वहाँ पार्टी में गया तो मैं उससे बात नहीं करूँगी। तो जब हम कंडीशन वाली बात करते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करते हैं, अगर ऐसा होता तो। सो हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं? क्लास विजिबल है, बताइए मुझे, कमेंट में मुझे बताइए। Am I visible to you? Audible to you? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है गाइस? एक बार जस्ट ये बता दीजिए, यस मैम यू आर ऑडिबल। कमेंट में मुझे बताइए, एम आई ऑडिबल? यस, थैंक यू सो मच अनुपमा, थैंक यू। सो हाइपोथेटिकल सिचुएशन की आज बात करेंगे, कि अगर ऐसा होता तो। सो जब आप ऐसे बात करते हैं तो आप कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं? पहले तो आप इमेजिन कर लीजिए, आप जो कुछ भी इमेजिन कर लेते हैं, आप जो कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं सब इमेजिन कर लीजिए, कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। तो इमेजिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आप कर लीजिए, जो भी आप इमेजिन करना चाहते हैं तो क्विकली इमेजिन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब हम बात करते हैं इफ, मैं सेंटेंस बताऊंगी आप कैसे बना सकते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल और लास्ट में भी प्रेजेंट सिंपल। इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल एंड देन प्रेजेंट सिंपल। यस मैम, ऑडिबल? गुड गुड, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। यस, अमेजिंग। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि जब हम बात करते हैं कि इफ या फिर वेन, इफ या वेन कुछ भी आप बोल सकते हैं, इफ या वेन प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल, ये कब बोलते हैं हम, ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर हम कब यूज करते हैं? देखिए, अगर ये है तो ये है, क्लियर हो रहा है? अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, अगर ये चीज होती है तो ऐसी चीज होती है। ये हम कब रिप्रेजेंट करते हैं? जो फैक्ट्स, जो ट्रुथ है, जो बिल्कुल सच सच है, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, या जो भी फैक्ट है जो होता है, जो जनरली होता ही है। तो फैक्ट्स दैट आर जनरली ट्रू, फैक्ट्स दैट आर जनरली ट्रू, यानी कि जो तथ्य है, जो होता है, उसके लिए हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ, If you heat water at 100 degree Celsius, it boils. अगर आप पानी को 100 डिग्री के तापमान पर हीट करते हो तो वो बॉयल होता है। ये तो होता ही है, 100 डिग्री को अगर आप पानी को हीट करोगे तो ये बॉयल तो होगा ही। वैसे ही अगर आप आइस को जैसे बाहर रख देते हो तो वो मेल्ट हो जाएगी। तो ये क्या है, ये जनरल ट्रुथ है, ये फैक्ट्स तो होते ही हैं। अगर मैं आपको बोलूं, इफ यू स्टैंड इन रेन, अगर आप बारिश में खड़े होते हैं, इफ यू स्टैंड इन रेन यू गेट वेट। अगर बारिश में आप खड़े हो जाएंगे तो आप गीले होंगे ही होंगे, इसमें कोई वो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि आप गीले तो होंगे। अगर मैं आपको बारिश में खड़े होने को बोलती हूँ तो आप वेट तो होंगे ही। Yes. So, ये हम बात कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन की जो जनरली ट्रुथ होता है। अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है। अगर बारिश में आप बारिश में खड़े होते हैं तो आप गीले होते हैं। अगर आप ज्यादा चॉकलेट्स खाते हैं तो आपको कैविटीज लगती है। अगर आप ज्यादा स्वीट्स इनटेक करेंगे तो आपको कैविटीज होगी। सो ये जनरल ट्रू है, ये फैक्ट्स होते ही हैं। अगर ऐसा होता है तो ये कंडीशन होती है। तो इफ के साथ जो हम लिखते हैं, इसका मतलब ये चीज अगर होती है तो ऐसा होता है। अगर ये है तो ये वाली कंडीशन है ही है, दैट इज इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईएस कब लगाते हैं? जब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं।
ही शी इट. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईएस लगता है. प्लूरल सब्जेक्ट है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. तो अब आप कुछ सेंटेंसेस बनाइए जो बिल्कुल ट्रू है, जो सत्य है. अगर ऐसा होता है, अगर ये है, अगर ये चीज एग्जिस्ट है तो ये होती ही होती है. जैसे कि अगर पानी को 100 डिग्री पर आप हीट करते हो तो वो बॉइल होता ही है. अगर आप बारिश में खड़े होते हो तो आप गीले होते ही हो. अगर आप बहुत सारा खाना खाते हो तो वेट पुट ऑन तो आप करेंगे ही. इफ यू ईट अ लॉट ऑफ फूड, अगर आप बहुत ज्यादा खाना खाते हो, यू पुट ऑन वेट, तो आप वेट पुट ऑन करते हो. ये तो है ही है, जनरली ये तो ट्रुथ है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता ही है. अगर आप खाना खाते जाओगे दिन में बहुत बार खाना खाओगे तो वेट तो पुट ऑन आप करोगे ही, राइट. तो दोनों ही सेंटेंसेस में इफ के साथ जो हम लिखते हैं, इसका मतलब अगर ऐसा होता है, अगर ये चीज है तो ये वाली चीज जरूर होगी. तो नेक्स्ट क्लॉज में आप क्या लिखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस. इफ के साथ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस और नेक्स्ट वाली क्लॉज में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखेंगे. ये सेंटेंसेस आप तब बनाते हैं जो फैक्ट होता ही होता है, जो जनरली ट्रू है. कुछ सेंटेंसेस आप बनाइए. यस नम्रता, अभी रिपीट करती हूँ. If you fall sick, you go to a doctor. बिल्कुल ठीक है गोपाल, very nice. अगर आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास तो जाते ही हैं. ये ट्रू है क्योंकि अगर बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते ही हैं. तो ये चीज एग्जिस्ट करती है. देखिए नम्रता, मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ. देखिए जब हम बात करते हैं कोई ऐसी चीज की जो होती ही है, दैट इज ट्रू, फैक्ट्स है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, कुछ भी है जो होता ही है. तो जब आप कहना चाहते हैं अगर ये है, अगर ये कंडीशन है, अगर इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन है तो ये वाली कंडीशन होगी ही होगी. तो इफ क्लॉज के साथ ही इफ वाला पार्ट है, उसके साथ हम प्रेजेंट टेंस लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस. और नेक्स्ट वाला जो क्लॉज है उसके साथ भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे. तो अगर ये है इफ यू नीड वाटर, तो मैंने क्या लगाया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सिंपल प्रेजेंट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, अगर आप पानी को हील करते हैं, एक कंडीशन. फिर कॉमा, इट बॉइल्स, अगर पानी को हीट करते हैं तो वो बॉइल होता ही है. अगर 100 डिग्री के तापमान पे आप पानी को हीट करोगे, उसको गर्म करोगे तो वो उबलेगा ही उबलेगा. इट बॉइल्स. इफ यू स्टैंड इन रेन, मैं आपको कह देती हूँ जाओ बारिश में बाहर खड़े हो जाओ, ऐसा हो सकता है कि आप गीले ना हो? बताइए, कैन इट बी पॉसिबल कि ये चीज ना हो? मतलब ये होता ही है, दैट इज ट्रू. अगर पहली कंडीशन होगी तो दूसरी कंडीशन तो होनी ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता. अगर पहली कंडीशन ट्रू है, अगर पहली कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है तो दूसरी कंडीशन होगी ही होगी, दैट इज एविडेंट. उसको आप रोक नहीं सकते हो, क्योंकि अगर मैं आपको बोल दूं बारिश में बाहर खड़े हो जाओ तो डेफिनेटली यू विल बी वेट, राइट. आप गीले होंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप गीले नहीं होंगे. सो इफ यू स्टैंड इन रेन यू गेट वेट, अगर आप बारिश में खड़े होते हैं तो आप गीले होते हैं. तो मैंने दोनों ही क्लॉजेस में कौन सा टेंस यूज करा है? सिंपल प्रेजेंट. यहाँ पर स्टैंड लगाया यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. नेक्स्ट देखिए, समझ आ रहा है गाइस? जहां पर भी समझ ना आए मुझे बताना, वहीं पर मैं स्टॉप करके दोबारा समझाऊंगी. जितनी बार बोलेंगे उतनी बार समझेंगे. इफ यू डू नॉट बिकम अ टीचर देन व्हाट डू यू डू? यस, अगर तुम टीचर नहीं बनती तो क्या करती? करेक्ट. इफ यू ईट अ लॉट ऑफ फूड यू पुट ऑन वेट, अगर आप बहुत सारा खाना खाते हैं तो वेट तो पुट ऑन करेंगे ही, दैट इज एविडेंट. ये ट्रू है, ये सत्य है. तो अगर पहली कंडीशन एग्जिस्ट होती है तो दूसरी कंडीशन होगी ही होगी, इसको आप रोक नहीं सकते हैं. क्लियर? वेरी नाइस नम्रता. चार में मैं अभी रिपीट कर देती हूँ आपके लिए दोबारा से. इफ यू स्मोक यू गेट सिक, बहुत ही अच्छा सेंटेंस नवीन. अगर आप स्मोक करते हैं तो आप बीमार होंगे ही होंगे. गाइज ये थोड़े से डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड होने में, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, लेकिन बहुत ईजी है. एक बार आपको समझ आ गया तो आप जितने चाहे उतने सेंटेंसेस बना सकते हैं. दोबारा से मैं आपको बताती हूँ. देखिए इफ या वेन, इफ या वेन का मतलब क्या होता है? अगर. इफ का मतलब होता है अगर, वेन का मतलब भी होता है अगर. तो इफ भी लगा सकते हैं, वेन भी लगा सकते हैं. अगर, अगर इफ के बाद आप कोई कंडीशन बताएंगे, इफ के बाद आप क्या बताएंगे? कोई कंडीशन बताते हैं. कौन से टेंस में बताएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस. यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप कोई कंडीशन बताएंगे. सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. तो
इफ के बाद मैं कंडीशन बता रही हूँ, अगर पानी को हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे ये कंडीशन हो गई, कौन सी टेंस में हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जो दूसरा पार्ट है उसका रिजल्ट क्या होगा, इफ के बाद मैंने कंडीशन बताई, इफ प्लस कंडीशन, तो जो उसका रिजल्ट होगा वो होना ही होना है। इफ के बाद मैं कंडीशन लगाऊंगी, इफ के बाद कंडीशन सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और उसके बाद ये वाला जो है ये क्या है, ये हमारा रिजल्ट है। अगर ये कंडीशन होती है तो ये ऐसा होता ही है, ये ट्रू है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये ना हो, ये होगा ही, ये होता ही है। इफ यू स्टैंड इन रेन, अगर आप बारिश में खड़े होते हैं तो आप केले बोते ही है, बिल्कुल सत्य है ये चीज। अगर आप बहुत सारा खाना खाते हैं तो आप मोटे होते ही हैं। तो ये जो फैक्ट्स है ये ट्रू है, ये सच बात होती है, जब आप बताना चाहते हैं ऐसा होता ही है। अगर पहली कंडीशन फुलफिल है, पहली कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, तो दूसरी होती ही है, दैट इज ट्रू। इफ यू टेक ग्रीन ट्री ग्रीन टी यू बिकम स्लिम, यस, अगर आप ग्रीन टी पीते हैं, yes. अगर आप ग्रीन टी पीते हैं तो आप पतले होते हैं। यस शुभम, बताइए क्या डाउट है। इफ यू वर्क हार्ड यू गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आते ही हैं, क्योंकि आप कड़ी मेहनत करेंगे तो अच्छे मार्क्स आते ही हैं, दैट इज ट्रू। इफ यू डोंट ईट फूड यू फील हंग्री, बिल्कुल ठीक है अनुपमा, वेरी नाइस सेंटेंस। अगर आप खाना नहीं, इफ यू डोंट ईट फूड तो क्या होगा, यू फील हंग्री, भूख तो लगेगी। अगर मैं पूरे दिन आपको बोलूँ आज आपका फास्ट है, आज आपको खाना नहीं खाना है, तो भूख लगेगी कि नहीं लगेगी, इफ यू डोंट, ये सत्य हो गया, ये बिल्कुल फैक्ट सत्य हो गया। गाइस मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जैसे आपने एक सेंटेंस बनाया नम्रता, इफ यू टेक ग्रीन टी यू बिकम स्लिम, जरूरी नहीं है कि ग्रीन टी पीकर हर कोई स्लिम हो जाए, ये आप किसी को बता रहे हैं। अगर आप चाय लेंगे तो आप स्लिम होंगे, वो नेक्स्ट अभी मैं आपको जब कंडीशनल बताऊंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये वाले फैक्ट है कि अगर पहली कंडीशन फुलफिल होती है, जैसे इफ यू स्टडी हार्ड यू गेट गुड मार्क्स, जरूरी नहीं है, ये चीज बिल्कुल सत्य है। तो जो चीज बिल्कुल सत्य है, अगर पहली कंडीशन होती है तो दूसरी चीज होगी ही, तो ये होता है हमारा जीरो कंडीशनल, इसको हम जीरो कंडीशनल कहते हैं। सब कुछ लिखा हुआ है पीडीएफ में, अभी बस आप समझिए कि अगर पहली कंडीशन होती है तो दूसरी होगी ही, वो बिल्कुल एविडेंट है। अगर बारिश में आप खड़े हुए होते ही है, अगर आप बहुत ज्यादा खाना खाते हैं तो आप वेट पुट ऑन करते ही हैं, अगर आप स्मोक करते हैं तो आपके लंग्स खराब होते ही हैं, तो ये चीज सत्य है, अगर ऐसा होता है तो दूसरी कंडीशन होती ही है। क्लियर, यस गुड। इफ वॉटर फ्रीजेस इट टर्न्स इनटू आइस, बिल्कुल ठीक है, अगर पानी फ्रीज होता है तो वो डेफिनेटली किस में बदलेगा, आइस में बदलेगा। अगर आप पानी को ठंडा करते हैं, मैंने आपको बोला इस पानी को ठंडा कर दो, तो आप क्या करेंगे, पानी फ्रिज में लेकर जाएंगे, फ्रिज में रख देंगे वो वाटर, थोड़ी देर बाद आप निकालेंगे वो आइस में कन्वर्ट होगा, ये बिल्कुल सत्य है। अगर पानी को आप ठंडा करते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट होता है। तो जो चीज बिल्कुल सत्य है उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, जीरो कंडीशन। और वो कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे, इफ या वेन, उसके साथ आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और जो नेक्स्ट क्लॉज है उसमें भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। गाइस कोई सा भी और टेंस यूज नहीं करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। बिल्कुल ठीक है, इफ यू गो फॉर अ हैंगआउट इन लॉकडाउन यू फेस प्रॉब्लम्स, यस, क्योंकि लॉकडाउन में कोरोना वायरस के रहते अगर आप बाहर जाते हैं तो एविडेंट है कि प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इतना ज्यादा कोरोना वायरस है, स्प्रेड हो रहा है। इफ यू डू नॉट फिल फ्यूल इन द कार इट स्टॉप्स, बिल्कुल ठीक है, अगर कार में फ्यूल नहीं डालते हो तो वो रुकती है, ऑब्वियस है, बिना फ्यूल के तो आप कार नहीं चला सकते, तो ये तो बिल्कुल सत्य है, ये फैक्ट तो है ही है, ये तो बिल्कुल ट्रू है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ये फैक्ट ऐसा नहीं होगा, अगर आप पेट्रोल नहीं डालते हैं, डीजल नहीं डालते हैं, कार में फ्यूल नहीं डालते हैं, तो वो रुकती ही है। इफ द कार, इफ यू डोंट फिल अ कार, यस, इफ यू डू नॉट फिल फ्यूल इन द कार इट स्टॉप्स।
इफ यू डू नॉट ईट हेल्दी फूड यू गेट इल, ये भी बिल्कुल ठीक है राजकुमार, अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो आप बीमार पड़ते हैं, अगर आप हेल्दी खाना नहीं खाते हैं। या आप ये भी बोल सकते हैं इफ यू ईट जंक फूड ऑन डेली बेसिस, अगर डेली बेसिस पर आप जंक फूड खा रहे हैं, डेली बाहर का खा रहे हैं, तो आप बीमार पड़ते ही हैं। ये बिल्कुल सत्य है, अगर आपको हर दिन आप मैदा इनटेक कर रहे हैं, डेली जंक फूड खा रहे हैं, तो बीमार होते ही हैं। तो ये वाली बात क्या होती है जब आप बताते हैं किसी को, ये तो होता ही है। तो ये था हमारा जीरो कंडीशन, क्लियर है? दूसरे कंडीशन पे मूव करें, जब तक आप मेरे को कमेंट में बताइए यस मैम दिस इज क्लियर, देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट वन। यस इज इट क्लियर, समझ में आ गया? कोई डाउट बताइए कमेंट्स में बताइए गाइस, एनी डाउट टिल हियर, बिल्कुल क्लियर हो गया ये? यस कोई डाउट है प्लीज बताइए। यस हर्षवर्धन, यस चंदन, गुड, क्लियर, ओके गाइस सभी बता दीजिए क्लियर है, देन वी विल मूव। क्लियर, दोबारा से रिवाइज करते हैं, इफ प्लस कंडीशन, अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? दूसरा तो होगा ही होगा, अगर कार में फ्यूल नहीं डालते हो तो वो रुकती है, अगर ज्यादा खाते हो तो बीमार, तो वेट पुट ऑन करते ही हो, अगर बाहर का ज्यादा खाते हो तो बीमार पड़ते ही हो, अगर पहली कंडीशन सच होती है तो दूसरी सच होती ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करते हो तो दूसरा 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हो तो वो बॉईल होता ही है, अगर पानी को ठंडा रखते हो तो वो आइस में कन्वर्ट होता ही है, अगर बर्फ को मेल्ट करते हो तो पिघलती ही है। ओके वेरी नाइस, नो डाउट, वेरी गुड गाइस, क्लियर। इफ यू डोंट टेक प्रिकॉशंस कोरोना वायरस अफेक्ट्स यू, बिल्कुल ठीक है, अगर कोई प्रिकॉशंस नहीं लेते हो तो कोरोना वायरस तो अफेक्ट करेगा ही, अगर सैनिटाइजर्स यूज नहीं करते हो, मास्क यूज नहीं करते हो, मतलब बिल्कुल अगर आप प्रिवेंशन ही नहीं कर रहे हो, बाहर बहुत ज्यादा घूम रहे हो एंड जब आप घर आते हैं बाहर से आने के बाद तो आप अपने हैंड वॉश भी नहीं कर रहे हैं, ना ही सैनिटाइजर्स रख रहे हैं अपने पास, ना ही मास्क रख रहे हैं, तो दूसरी कंडीशन तो होगी ही, तो डेफिनेटली कोरोना वायरस आपको अफेक्ट करेगा ही। सो क्लियर, ये था, तो ऐसे सिचुएशन के बारे में आप बात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, बाय द टाइम यू कैन मेक सेंटेंसेस, शुभम मैम डू बी यूज इफ इन प्रिडिक्शन केस, मैं अभी सब एक एक चीज आपको बता रही हूँ, शुभम क्या प्रिडिक्ट करेंगे, कैसे और आगे बात करेंगे अभी बताती हूँ। देखिए इफ, अब दूसरी कंडीशन देखिए, प्रेजेंट सिंपल, और दूसरे क्लॉज में आप क्या यूज करेंगे, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये देखिए, ये हम कब यूज करते हैं, अगर ये है तो ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, अगर ये फर्स्ट कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो दूसरी वाली हो सकती है, अगर आप कड़ी मेहनत करते हो तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, अगर आप लेक्चर को ध्यान से सुनते हो तो आप अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हो। तो फ्यूचर, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, ये वाला कौन सा है हमारा, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, अगर ऐसा है, होता है तो ऐसा होगा, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इन योर लाइफ, अगर आप कड़ी मेहनत करते हो तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे ही, यू विल सक्सीड इन योर लाइफ, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल देन विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर कड़ी मेहनत करते हो, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, जो सेकंड जो रिजल्ट है उसका, अगर पहली वाली कंडीशन ऐसी है तो सेकंड जो है हमारा रिजल्ट है ऐसा होगा, ठीक है, तो will plus verb का first form use करके आप, if I attend the class carefully then I will definitely learn new things, बिल्कुल सही sentence आपने बनाया,
अगर मैं ढंग से केयरफुली क्लास को अटेंड करता हूँ, पहली कंडीशन अगर ट्रू है, तो मुझे नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो दूसरा होगा, दूसरी चीज होगी। अगर ये है तो वो होगा ही होगा, वो होगा। ठीक है, लाइक इफ आई गेट अप लेट इन द मॉर्निंग आई विल मिस माई बस। अगर मैं सुबह लेट उठूंगी, इफ आई गेट अप लेट इन द मॉर्निंग आई विल मिस माई बस, मैं अपनी बस मिस कर लूंगी। आई विल मिस माई बस, अगर मैं लेट उठती हूँ तो मैं अपनी बस मिस कर दूंगी। इफ आई गेट अप लेट इन द मॉर्निंग आई विल मिस माई बस। क्लियर? इफ यू डू एक्सरसाइज यू विल बी फिट। यस, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप फिट होंगे ही होंगे। बिल्कुल सही बात है। तो आप किसी को बोल रहे हैं कि अगर तुम एक्सरसाइज करते हो ना तो तुम फिट होगे, फिट हो जाओगे। अगर तुम एक्सरसाइज करते हो तो तुम फिट हो जाओगे। तो किसी को आप बोलना चाहते हैं कि एक्सरसाइज करा करो तो तुम फिट हो जाओगे। अगर एक्सरसाइज डेली करते हो तो जरूर तुम फिट हो जाओगे। इफ मीटिंग इज नॉट फिनिश्ड बाय 4 o'clock आई विल स्टे एट माय फ्रेंड्स होम। अमेजिंग सेंटेंस, वेरी गुड। अगर मीटिंग 4 बजे तक खत्म नहीं होती है तो मैं अपनी दोस्त, बिल्कुल सही है। तो कई बार मम्मी को बताना होता है, किसी को बताना होता है कि मम्मी अगर 4 बजे तक मीटिंग नहीं खत्म होती है तो मैं आज यही अपने दोस्त के घर रुक जाऊंगी। इफ द मीटिंग डजंट एंड एट 4 o'clock देन आई विल स्टे एट माय फ्रेंड्स होम, बिल्कुल ठीक है। इफ यू गो टू द मार्केट यू विल स्पेंड समथिंग देयर। यस, अगर मार्केट जाते हो तो कुछ ना कुछ तो वहां खर्चा करोगे ही। इफ यू टीच लाइक दिस देन आई विल गेट सक्सेस, ओके, वेरी नाइस। If you visualize the things, you will learn faster. Very, very good, Chandan. Yes. अगर आप चीजों को visualize करते हो, को imagine करते हो, तो तुम ज़्यादा अच्छे से learn कर पाओगे. You will learn faster. बहुत ही अच्छे sentences. और practice करिए और ज़्यादा मुझे sentences बनाकर बताइए. If I join live course, I will improve my speaking skills. अगर मैं live course join करती हूँ, तो मेरी speaking skills ज़रूर improve होंगी. बिल्कुल ठीक है. Very nice sentence. If I run fast, I will reach early. Yes, अगर मैं तेज भागती हूँ तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी। अगर मैं तेज दौड़ू तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी। कई बार हम कई जगह लेट हो जाते हैं ऑफिस के लिए कहीं भी, तो हम अंदर ही अंदर अपने मन से बोल होता है यार बंदा तेज भाग तो जल्दी पहुंच जाएगी, ये करो तो जल्दी ऐसा काम हो जाएगा। अगर आज सुबह अगर लेट हो जल्दी पहुंच जाएगी, ये करो तो जल्दी ऐसा काम हो जाएगा। अगर आज सुबह अगर लेट उठी ना तो बस मिस हो जाएगी, तो बॉस डांटेंगे। अगर मीटिंग के लिए लेट पहुंची तो ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे हम कई बार खुद ही विजुअलाइज करते रहते हैं, तो बोलेंगे कैसे उसको? तो दोस्त से बात कर रहे हैं यार अगर मैं आज लेट उठी, अगर कल सुबह टाइम पे नहीं उठी ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इफ आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग देन आई विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। इफ यू थिंक आई एम बैड देन आई विल प्रूव यू रॉन्ग। इफ यू रिस्पेक्ट अदर्स यू विल बी पॉपुलर इन सोसाइटी, बिल्कुल ठीक है जय वर्मा, वेरी नाइस। अगर आईटी में प्रसिद्ध हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। और बनाइए, बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत ही एक्यूरेट सेंटेंसेस बना रहे हैं और बहुत क्लियर सेंटेंसेस हैं। गुड, मेक सम मोर सेंटेंसेस। नम्रता, इफ आई बिकम फ्रूगल देन आई विल सेव मनी। यस, अगर मैं कंजूस हो जाती हूँ तो मैं पक्का पैसे बचा लूंगी, ठीक है। गुड, इफ यू ड्राइव कार यू विल नीड फ्यूल इन इट। यस, इनटू इट नहीं, इन इट। अगर आप कार ड्राइव करते हैं तो उसमें आपको फ्यूल तो चाहिए ही होगा। यू विल डेफिनेटली नीड फ्यूल इन इट। इफ आई डोंट कंप्लीट माय होमवर्क आई विल डेफिनेटली बी पनिश्ड बाय माय क्लास टीचर। अगर मैं होमवर्क कंप्लीट नहीं करता हूँ, आई विल गेट पनिश्ड, या बोल सकते हैं राज, आई विल गेट पनिशमेंट, या आई विल बी पनिश्ड बाय माय क्लास टीचर, या आई विल गेट पनिशमेंट फ्रॉम माई क्लास टीचर। आई विल बी पनिश्ड बाई माई क्लास टीचर इफ आई डोंट कम्प्लीट माई होमवर्क। इफ यू गिव एफर्ट इन योर वर्क यू विल डेफिनेटली कम्प्लीट इट विद इन द टाइम, बिल्कुल ठीक है। अगर आप एफर्ट से कोई कार्य करते हो तो समय के अंदर अंतराल में आप उसको कम्प्लीट कर लोगे, बिल्कुल ठीक है। इफ आई विन दिस लॉटरी आई विल बाय अ हाउस। अगर मैं ये लॉटरी जीत जाती हूँ तो मैं एक घर खरीदूंगी। सपोज मैं अपने आप से बोल रही हूँ कि अगर ये लॉटरी में जीत जाती हूँ तो मैं एक घर खरीदूंगी। अगर इस कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो जाता है ना तो आई विल बी सो हैप्पी। इफ आई गेट एडमिशन इनटू दिस कॉलेज आई विल बी सो हैप्पी, आई विल बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अगर इस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाता है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी और मैं बहुत ज्यादा खुश होगी। अगर इस कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो जाता है देन आई विल बी अ आई विल बिकम अ फ्यूचर स्टार।
आई विल बी रिच, मैं अमीर हो जाऊंगी, कुछ भी बोल सकते हैं। और बनाइए सेंटेंसेस गाइस, बहुत ही अच्छा है ये। अब मैं आपको और बताती हूँ इसी से रिलेटेड, यही वाला जो कंडीशनल है आप उसमें भी यूज कर सकते हैं। सुपर सालों के लिए आपको आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, नेक्स्ट 3 years में आपके साथ बहुत बुरा हो जाएगा, ये वाले मैसेज को लाइक नहीं करा तो आपके साथ कुछ बुरा घटेगा, तो ऐसी अंधविश्वास वाली बातें होती हैं, तो उसमें भी आप ऐसे ही बता सकते हैं अंधविश्वास वाली जो बातें होती हैं। अगर ये शीशा तोड़ दोगे तो 7 साल का बैड लक हो जाएगा। कुछ सेंटेंसेस बनाइए। इफ आई डू मेडिटेशन ऑन डेली बेसिस इट विल काम माई माइंड, आई विल काम माई माइंड नहीं होगा राज, अगर मैं मेडिटेशन डेली बेसिस पे करता हूँ तो मेडिटेशन मेरे दिमाग को ठंडा रखेगी, इट विल काम माई माइंड, मतलब आई विल बी काम आफ्टर डूइंग मेडिटेशन। सो इफ आई डू मेडिटेशन ऑन डेली बेसिस इट विल काम माई माइंड, वो मेरे माइंड को शांत रखेगी मेडिटेशन, इट विल काम माई माइंड। इफ आई ज्वाइन द क्लास आई विल लर्न न्यू थिंग्स, इफ वी ऑबे आवर पेरेंट्स दे विल लव अस द मोस्ट, यस द मोस्ट, मोस्ट उसके साथ द लगाएंगे क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री जब भी हम बोलते हैं तो उसके साथ हम द लगाते हैं। गुड जे वर्मा, द मोस्ट आप बोलिए। इफ आई टीज हर ओवर एंड ओवर शी विल बीट मी, यस अगर मैं उसको बार बार परेशान करूंगी वो मुझे मारेगी फिर। इफ यू टीज हर अगेन एंड अगेन ओवर एंड ओवर शी विल बीट यू, अगर तुम बार बार उसको परेशान करोगे तो वो तुम्हें मारेगी, बिल्कुल ठीक है। और बनाइए सेंटेंसेस। इफ यू डू नॉट कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन टाइम कंपनी विल नॉट ग्रांट यू एनी इंसेंटिव, यस कंपनी को इंसेंटिव नहीं देगी अगर प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं कंप्लीट करोगे तो। और बनाइए गुड कुछ, अब आप भी मुझे अंधविश्वास से रिलेटेड कुछ सेंटेंस बनाकर बताइए इसी चीज को यूज करते हुए। पहले जो कंडीशन के साथ आप सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे, दूसरे में आप विल, विल से रिलेटेड आप बनाएंगे, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अगर आपको ये चीज मिल गई तो आपका गुड लक हो जाएगा। इफ यू फाइंड अ 4-leaf clover यू विल हैव 3 years ऑफ गुड लक, अगर मतलब चार पत्ती जैसी कोई पत्ती जो होती है ना लीफ मिल जाएगी आपको जिसकी चार ऐसी साइड्स होती है तो आपका साथ गुड लक हो जाएगा। तो ऐसी कई अंधविश्वास वाली चीजें होती है जो हम किसी को बोलते हैं, तुम्हें पता है अगर तुमने ये मैसेज फॉरवर्ड नहीं करा तुम्हारे साथ बुरा हो जाएगा, मैसेज यू विल हैव 3 years ऑफ बैड लक, इसी का मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। इफ यू डोंट फॉरवर्ड दिस मैसेज, अगर इस मैसेज को तुम आगे नहीं पहुंचाओगे यू विल हैव 2 years ऑफ बैड लक, 2 साल का तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा होगा, यू विल एक्सपीरियंस 2 years ऑफ बैड लक, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये अंधविश्वास वाली बात होती है, सुपरस्टिशंस होते हैं जिन पर जो विश्वास नहीं करना चाहिए। If a cat crosses your road, you will met with an accident. Anupama, बहुत ही अच्छा sentence आपने बनाया, really very nice. If a cat crosses your path, ये तो सबसे ज्यादा अंधविश्वास की बात है जो सबने सुनी होगी। अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो क्या होगा, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। ये superstition तो इतनी ज्यादा फैली हुई है कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई ना, अरे ध्यान से बिल्ली आ गई, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। इफ अ कैट क्रॉसेस योर पाथ, पाथ मतलब रास्ता, अगर बिल्ली रास्ता काट लेती है यू विल मैच विद एन एक्सीडेंट, तो क्या होगा, यू विल मीट विद एन एक्सीडेंट, यू विल मीट विद एन एक्सीडेंट, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। That is the most common superstition. Yes, yes, meet Gopala, I have written meet only. अगर सोना गुम हो गया तो तुम्हारा दिन खराब होगा। Yes, if this gold coin gets lost, you will have a bad day. अगर ये सोने का सिक्का गुम हो गया, then you will have a bad day. If you lose this coin, then it will be a bad day for you. ऐसे करके आप अंधविश्वास से related बहुत सारी बातें और बहुत सारे sentences बना सकते हैं। तो ध्यान क्या रखना है, if के साथ जो condition है वो किसमें होनी चाहिए, simple present में, और जो result है वो किसमें होना चाहिए, future tense में। बहुत easy है, if वाली condition simple present tense में, और जो result होगा वो कौन से में होगा, future में। Oh,
ओके शुभम, अगर रात के अंधेरे में तुम वॉक करोगे तो तुम्हें भूत चिपड़ जाएंगे. इफ यू वॉक इन नाइट देन यू विल बी कॉट बाय गोस्ट्स. यस यस यस. इफ यू लुक योर फेस इन अ ब्रोकन मिरर यू विल हैव अ बैड लक फॉर मेनी इयर्स. अगर टूटे हुए शीशे में अपना चेहरा देखोगे तो बहुत ज्यादा बैड लक होगा. ये सारी सुपरस्टिशन की बातें हैं. अंधविश्वास क्लियर? अंधविश्वास क्लियर हुआ? आज हमने बहुत सारी सुपरस्टिशन की बातें करी. अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो ऐसा हो जाएगा, टूटे शीशे में देख लिया तो ऐसा हो जाएगा, अगर शीशा टूट गया तो भी बैड लक हो जाएगा, नमक गिर गया तो बैड लक हो जाएगा, ऐसा कर दिया तो बैड लक हो जाएगा. ओके सो दीज आर ऑल अबाउट द सुपरस्टिशन, अंधविश्वास. इफ के साथ कंडीशन जब आप लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट, और जो रिजल्ट होगा फ्यूचर. अब मैं आपको एक और बताती हूँ गाइज, वार्निंग. किसी को आप वार्न करते हैं तब भी आप ऐसे बोल सकते हैं. कई बार हम वार्निंग देते हैं ना कि स्लो डाउन, यू विल मीट विद एन एक्सीडेंट, यानी कि धीरे हो, धीरे कर लो, डोंट हरी. कई बार कोई गाड़ी जब ड्राइव कर रहा होता है तो उसको बोलते हैं स्लो डाउन, यू विल मीट विद एन एक्सीडेंट, नहीं तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए धीरे कर लो. तो वार्निंग देने के लिए भी हम यूज करते हैं. वेरी गुड. इफ यू वॉन्ट टू गेट अ जॉब इन दैट कंपनी यू विल हैव टू सेट योर रिज्यूमे फर्स्ट. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. अब वार्निंग का मैं एक सेंटेंस आपको बताती हूँ. जब हम किसी को वार्न करते हैं, वार्निंग मतलब चेतावनी देते हैं. कोई आपकी बार बार बुराई कर रहा है, आपको बार बार परेशान कर रहा है, दोबारा ऐसा बोला ना बहुत ज्यादा तुम्हें, दैट वुड नॉट बी गुड फॉर यू. इफ यू से दैट अगेन, अगर तुमने दोबारा एक बार और बोली ये बात, किसी को आप परेशान कर रहे हो, कोई आपको बोल रहा है, अगर दोबारा ये बात बोल दी ना, आई विल रियली कॉल द पुलिस, या कुछ भी हो सकता है. आई हर्ट यू, मैं तुम्हें मारूंगा. इफ यू से दैट अगेन आई विल हर्ट यू, अगर दोबारा तुमने ये बात बोली तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा. आई विल हर्ट यू, ये बात अगर तुमने दोबारा बोली तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा. आई हर्ट यू, ये बात अगर तुमने दोबारा बोली तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा. आई विल हर्ट यू. इफ लिजार्ड फॉल्स ऑन द बॉडी यू विल बी इन डेंजर इन द नियर फ्यूचर. यस, अगर तुम्हारी बॉडी पे छिपकली गिर जाती है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी तुमको. ऐसे मैसेजेस बहुत आते हैं. ओके नम्रता सेम हियर, ऐसे मैसेजेस बहुत आते हैं और बिल्कुल सही आपने बनाया. इफ यू डोंट सेंड दिस मैसेज टू 10 पीपल, या इफ यू डोंट सेंड दिस मैसेज टू 30 पीपल, इफ यू डोंट सेंड दिस मैसेज टू 80 पीपल, यू विल हैव अ बैड लक, और यू विल हैव अ बैड लक फॉर 2-3 इयर्स. ऐसे करके बहुत सुपरस्टिशंस होते हैं. तो वार्निंग भी आप किसी को दे सकते हो. इफ यू सेंड दैट मैसेज अगेन टू मी आई विल ब्लॉक यू. अगर तुमने ऐसे फॉरवर्डेड मैसेज मुझे करे तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी. इफ यू सेंड दैट फॉरवर्डेड मैसेजेस टू मी, इफ यू सेंड दैट, तो आप किसी को बोल सकते हो. कोई आपको ऐसे फॉरवर्डेड मैसेजेस भेज रहा है तो आप बोल सकते हो, इफ यू सेंड दैट फॉरवर्डेड मैसेजेस टू मी अगेन, अगर दोबारा तुम ऐसे फॉरवर्डेड मैसेजेस मुझे भेजते हो, आई विल ब्लॉक यू स्ट्रेट अवे, राइट अवे. कुछ भी बोल सकते हो, तुरंत मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी. आई विल ब्लॉक स्ट्रेट अवे, राइट अवे. कुछ भी बोल सकते हो, तुरंत मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी. आई विल ब्लॉक यू स्ट्रेट अवे. Send that forwarded messages to me, I'll block you straight away. मैं तुम्हें block कर दूँगी. So guys, देख रहे हैं कितनी ज़्यादा ये जो sentence structure की हमें ज़रूरत पड़ती है, कितनी बार हम ऐसे बोलते हैं. तो हम किसी को बोलना चाहते हैं कि अगर तुम दोबारा ऐसा काम करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, या मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा. तो इंग्लिश में ना हम हेजिटेट करते हैं कि कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर बोले, अगर मैं बोलूँ तो मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ. तो अब आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आ गया. ग्रामेटिकली आप कोई एरर नहीं करेंगे, बस फर्स्ट कंडीशन के साथ सिंपल प्रेजेंट लगाना है, और रिजल्ट के साथ क्या लगाएंगे, सिंपल फ्यूचर. फिर आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं. इफ यू टच लूज वायर यू विल गेट अ शॉक. बिल्कुल ठीक है, अगर लूज वायर को टच करते हो तो तुम्हें शॉक लग जाएगा. बिल्कुल ठीक है. If you take money from my room, then I'll send you in the jail. Okay. अगर तुमने मेरे घर से पैसा लिया तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी. बिल्कुल ठीक है. If you fail in the exam, I'll punish you. Okay. अगर तुम इस एग्जाम में फेल हुए तो मैं तुम्हें पनिश करूंगी.
बिल्कुल ठीक है. और बनाइए सेंटेंसेस. इफ यू डू नॉट फॉलो माई इंस्ट्रक्शन आई विल नॉट मीट यू अगेन. अगर जैसा मैं बोल रहा हूँ तुम वैसा नहीं करोगे, मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करोगे, तो मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलूंगा. इफ यू कीप स्मोकिंग यू विल गेट इल. अगर स्मोकिंग करते ही रहोगे, धूम्रपान करते ही रहोगे, तो बीमार हो जाओगे. अगर ऐसे ही तुम स्मोकिंग करते रहे तो तुम बहुत जल्दी बीमार हो जाओगे. यू विल फॉल इल वेरी क्विकली. गुड. और बनाइए सेंटेंसेस. सो क्लियर हो रहा है क्योंकि आपके सारे सेंटेंसेस सही है, दैट मीन्स आपको ये चीज क्लियर हो गई है गाइस. गुड. तो नेक्स्ट हम देखते हैं, किसी को आपको पर्स्यूएट करना होता है तब भी आप ये यूज कर सकते हैं. पर्स्यूएट यानी कि किसी को बहकाना होता है आपको, कि अगर तुम इस मार्क्स, इस वाले एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आए ना, तो मैं तुम्हें रिमोट कंट्रोल कार खरीद के दूंगा, मैं तुम्हें एक आइसक्रीम दिलाऊंगा अगर तुमने ये पेपर क्लियर कर दिया, अगर तुमने मेरी इस प्रोजेक्ट में हेल्प करी ना, तो मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमने जाऊंगा. तो जब हम किसी को पर्स्यूएट करते हैं कि ये काम तुमने कर दिया तो ऐसा करूंगा. इफ यू स्कोर 90% मार्क्स इन दिस एग्जाम आई विल बाय यू अ, क्या आप खरीद के देंगे किसी को आप पर्स्यूएट कर रहे हैं, आई विल बाय यू अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स. मैं तुम्हें चॉकलेट्स का एक बॉक्स खरीद के दूंगा. अगर तुमने 90% मार्क्स इस एग्जाम में ले आए ना तुम, तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा चॉकलेट का बॉक्स दूंगा. तो किसी को बहकाना होता है, पर्स्यूएट करना होता है, ये काम कर दो तो ये के दूंगा. तो ऐसे आप बना सकते हैं. इफ यू डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स यू विल बी पनिश्ड. यस. If you take my phone, I will not scold you. Okay, Shilpa. अगर तुम मेरा फोन उठा लोगे ना, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा. If you take my phone, I will not scold you. बिल्कुल ठीक है. और बनाइए. If you help me, I'll help you too. Yes. अगर तुम मेरी मदद करोगे, मेरी मदद करते हो, तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा. If you help me, I'll help you too. बिल्कुल ठीक है. Very nice. बिल्कुल ठीक है. कोई गलती नहीं है इसमें. Amazing. क्लियर है गाइज, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस बना रहे हैं, दैट मीन्स बिल्कुल क्लियर है आपको. इफ यू स्टॉप मी आई विल फाइल अ पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट यू. अगर तुमने मेरा पीछा करा तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी. बिल्कुल सही सेंटेंस है, बिल्कुल ठीक है, एंड वेरी नाइस अनुपमा. बहुत ही अच्छा सेंटेंस आपने बनाया. अगर तुमने मेरा पीछा करा, इफ यू स्टॉप मी आई विल फाइल अ पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट यू, तुम्हारे खिलाफ मैं एक पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी. बिल्कुल ठीक है. इफ यू ज्वाइन लिंकोज फॉर इंग्लिश यू विल बी, yes, you will be fluent in English. ऐसे बोल सकते हैं आप. पंकज, if you join Hinkush classes for English, अगर English के लिए Hinkush classes join करते हो, you will be fluent in English. तो English में आप fluent हो जाओगे. या you will speak fluent English. ऐसे भी बोल सकते हैं. Will के साथ verb की first form. You will speak fluent English. You will be fluent in English. हो जाओगे. बिल्कुल ठीक है जय वर्मा. इफ यू डोंट डू योर ड्यूटी आई विल सस्पेंड यू फ्रॉम दिस सर्विस. अगर तुम अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं करोगे तो मैं सस्पेंड कर दूंगा तुम्हें. तो बहुत बार हम अपनी कन्वर्सेशन में ऐसे बोलते हैं, अगर ये नहीं करोगे तो फिर जाओ. अगर तुम्हें काम नहीं करना है, देन यू कैन रिजाइन फ्रॉम दिस जॉब. देन यू विल बी गेटिंग द रेजिग्नेशन लेटर सून. इफ यू डोंट वर्क प्रॉपरली, इफ यू डोंट वर्क ऑन टाइम, यू विल बी रिजाइन फ्रॉम दिस ऑफिस. यू विल गेट रेजिग्नेशन लेटर सून. Okay, Chandan. If you complete the task by today itself, I'll give you more money. अगर आज के दिन में ही तुमने task complete कर दिया तो मैं तुम्हें और पैसे दूंगा. बिल्कुल ठीक है. If you work hard in full swing to learn English, I'll gift you a mobile phone. Okay. अगर बिल्कुल कड़ी मेहनत के साथ full swing में अगर English पढ़ोगे तो मैं तुम्हें एक mobile phone gift करूँगा. Okay. Good. Good. Great. अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस. सो वार्निंग हो, सुपरस्टिशन हो, किसी को चेतावनी देनी हो, कुछ भी, तो ये वाला आप सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा. अब नेक्स्ट देखिए, मैं आपको कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर बताती हूँ. इसका मैंने क्विज बनाया है. क्विज बहुत ही आराम से सॉल्व करिएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहे हैं, सेंटेंसेस आप बना रहे हैं, तो आई होप क्विज में आपके फुल मार्क्स आएंगे. लेकिन बहुत ध्यान से क्विज समझिएगा कौन कौन से क्वेश्चन है, कि इसमें कौन से फर्स्ट कंडीशनल की बात हो रही है, सेकंड कंडीशनल की बात हो रही है, उसी के हिसाब से कुछ सॉल्व कीजिएगा. नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं काल्पनिक चीजों के बारे में. अब चलते हैं अपनी इमेजिनेशन में.
अगर मेरे पास पैसे होते, बच्चों के सभी एग्जाम्स कैंसिल कर देता, अगर मेरे पास बहुत पैसा होता तो मैं गरीबों की मदद करता, अगर मैं बहुत रिच होता, अगर मेरी लॉटरी जीत जाता तो मैं एक कार खरीदता। तो पास्ट की बातें, अगर मेरे पास ऐसा होता, यानी कि हम पास्ट की बातें कर रहे हैं। इफ प्लस पास्ट सिंपल, अब इस कंडीशन में लगाएंगे इफ प्लस पास्ट सिंपल, अगर मेरे पास पैसा होता, अगर ये चीज होती पास्ट में, अगर मेरे पास एक बड़ा घर होता, अगर मैंने कड़ी मेहनत करी होती तो मेरा एडमिशन हो जाता या ये हो जाता, तो हम क्या लगाएंगे, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड कुड माइट ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं। सो एक सेंटेंस आप बनाइए, फिर मैं बताती हूँ आपको। गुड, अगर ऐसा होता तो, अगर मैं लॉटरी जीत जाती, जीती नहीं लेकिन, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, अगर मैं जीत जाती, इफ आई वन अ लॉटरी, पास्ट की बात कर रहे हैं, अगर मैं लॉटरी जीत जाती तो मेरी लॉटरी किस्मत लगी नहीं, कि मेरी लॉटरी लगी नहीं, तो मैं आई वुड बाय अ कार, मैं तो एक कार खरीदती। अगर मैं लॉटरी जीत जाती तो मैं एक कार खरीदती। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होती तो मैं स्मोकिंग छोड़ देती, आई वुड क्विट स्मोकिंग। अगर मैं तुम होती तो मैं स्मोकिंग छोड़ देती, मुझे पता है कि स्मोकिंग से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती। जब हम काल्पनिक की बात करते हैं तो वर का यूज करते हैं, ना कि वॉज का। आई के साथ वॉज आप कभी यूज नहीं करेंगे, इफ के साथ, आई के साथ आप वर का यूज करेंगे। अगर मैं तुम होती, इफ आई वर, नॉट वॉज, वॉज नहीं यूज करते। वॉज का मतलब अगर आप बोलते हैं ना, जैसे आई वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, इसका मतलब आप कर रहे थे वो काम। आई वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, यानी मैं गार्डन में खेल रही थी। इफ आई वर, यानी तब ये कंडीशन हो जाती है, अगर ऐसा होता, ऐसा हुआ नहीं है, इफ आई वर यू, ऐसा है नहीं, मैं तुम नहीं हूँ, आई वुड क्विट स्मोकिंग, मैं स्मोकिंग छोड़ देती। तो अगर पास्ट में घटना होती तो ऐसा होता, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर ऐसा होता तो ये हो जाता, अगर ये होता तो ऐसा हो जाता, तो मैं कार खरीद लेता, मैं स्मोकिंग छोड़ देता। वेरी गुड, इफ आई हैड अ बाइक आई वुड गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, अगर मेरे पास बाइक होती मैं लॉन्ग ड्राइव पर जाता, बिल्कुल ठीक है। ओके, इफ आई वर यू आई वुड बीट हिम, अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं तो उसको मारता, आई वुड बीट हिम, बिल्कुल ठीक है। If you pluck up courage in pinprick situation, definitely you will come out from this situation. बिल्कुल ठीक है नम्रता, very nice. अगर मतलब हिम्मत जुटाओगे इस कठिन परिस्थितियों में भी, तो क्या होगा, इस कठिन परिस्थिति से तो बाहर निकल जाओगे। If I had money, I would buy iPhone. Same here. Very nice sentence. If I had money, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं iPhone खरीदती। If I had money, I would buy an iPhone. Yes. आईफोन लवर्स बहुत सारे होते हैं, जो आईफोन लवर्स होते हैं तो हम बोलते हैं ना यार, पैसे होते तो आईफोन खरीदते, अभी तो है नहीं। सो इफ आई हैड मनी आई वुड बाय आईफोन, बिल्कुल ठीक है। हाउ कम बर नेक्स्ट टू आई, प्लीज एक्सप्लेन, वेरी गुड। अभी पंकज मैंने अभी एक्सप्लेन करा, दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, जब भी हम इफ आई वर, क्योंकि यहाँ पे मैं कंडीशन बता रही हूँ, अगर मैं तुम होती तो, मैं हूं तो नहीं, क्या मैं तुम हूँ, अगर मैं आपको बोल रही हूँ अगर मैं तुम होती तो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो क्या मैं आपकी जगह हूँ, क्या मैं आप हूँ, नहीं हूँ ना। तो ये सिचुएशन क्या है, काल्पनिक सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इमेजिनरी सिचुएशन है, ऐसी स्थिति एग्जिस्ट नहीं करती है, ऐसा है नहीं, ये चीज नहीं है। दैट इज वाई मैंने आई के साथ वर लगाया है, वॉज नहीं लगाया। वॉज का मतलब है वो चीज होती है, वॉज का मतलब वो चीज है। जैसे अगर मैं बोलूँ I was teaching him, मैं उसको पढ़ा रही थी, तो वो ऐसी चीज हो रही थी, ऐसी घटना हो रही थी। लेकिन वर हम तब लगाते हैं जब इमेजिन करते हैं, अगर ऐसा होता तो। क्लियर हुआ पंकज, बताइए मुझे क्लियर हुआ आपको ये। If I won a lottery, I would purchase clothes, order pizza from Domino's and one smartphone. Oh my God, very very nice, very good sentence. अगर मेरी लॉटरी लग जाती तो मैं भी clothes खरीदती, Domino's से pizza order करती and एक smartphone खरीदती, very good. If I were the king, I would change all the negative rules imposed on the people. I would changes नहीं होगा चंदन, change होगा। Would के साथ verb की first form लगती है, कोई SES नहीं लगता है।
नो एस सी एस विद वुड, वुड शुड कुड, ये क्या होते हैं, ये हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं, तो मॉडल वर्ब्स के साथ हम कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी एस नहीं लगाते, तो प्लीज इसको करेक्ट कीजिए चंदन. इफ आई वर द किंग आई वुड चेंज ऑल द नेगेटिव रूल्स दैट आर इम्पोज्ड ऑन द पीपल, जो नेगेटिव रूल्स लोगों के ऊपर थोपे गए हैं तो मैं उसको सबको बदल देता, सारे रूल्स को आई वुड चेंज. इफ आई हैड सुपर पावर आई वुड बी मिस्टर इंडिया. ओके शुभम, ओके वेरी नाइस. If I were the Prime Minister, I wouldn't impose lockdown. Okay. If I were you, I wouldn't leave that job. बिल्कुल ठीक है शिल्पा. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वो जॉब नहीं छोड़ता, क्योंकि बहुत अच्छी जॉब थी यार, तुमने क्यों छोड़ दी? तो जॉब, जब आपका दोस्त आपको बता रहा है यार मैंने वो जॉब छोड़ दी, वो मुझे कंपनी पसंद नहीं थी, आई वॉजन लाइकिंग दैट कंपनी, अरे यार क्यों छोड़ी तुमने वो जॉब? मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती. If I were you, I wouldn't have done that. I would not leave that job. I would not leave that job. If I were you, I would stay at home. अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं घर पर बैठती. If I were PM, I would be famous in the world. अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं फेमस होता. बिल्कुल ठीक है, गुड. If I had wings, I would explore the world. अगर मेरे wings होते तो मैं पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करती, पूरी दुनिया एक्सप्लोर करती. वाओ गाइस, इतना अच्छा लग रहा है ना इमेजिनेशन के बारे में बात करके. दैट आज का लेसन तो आई गेस सबसे अच्छा ही होगा, क्योंकि आज हम अपनी इमेजिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो हम इमेजिन करते हैं. ज्यादा पैसे होते तो फोन खरीदता, पिज्जा ऑर्डर करता, विंग्स होते तो पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर करता. इफ आई हैड मनी आई वुड बाय अ स्मार्टफोन फॉर माय मॉम. अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपनी मॉम के लिए स्मार्टफोन खरीदती. बिल्कुल ठीक है, यस. अगर इंडिया चाइना को अटैक करता तो हम जीत जाते, ठीक है. इफ आई वर अ यूजीसी कमिटी मेंबर आई वुड प्रमोट ऑल द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स. क्या बात है शुभम, वेरी नाइस. यस, इफ आई वर अ यूजीसी कमिटी मेंबर आई वुड प्रमोट ऑल द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स. मैं सबको कर देती प्रमोट. गुड, और सेंटेंसेस बनाइए. यस बनाइए, मेक सम मोर सेंटेंसेस गाइस. सो कैसा लग रहा है अगर ऐसा होता तो? इफ आई पास्ड विद 80% मार्क्स आई वुड डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स. बिल्कुल ठीक है, अगर मेरे 80% मार्क्स आते तो मैं मिठाइयां बांटता. इफ आई वेंट टू द मॉल आई वुड बाय क्लोथ्स. अगर मैं मॉल जाती तो मैं क्लोथ्स जरूर खरीद कर पाती. तो आप किसी को बता रहे हैं सॉरी मैं मॉल गई नहीं, अगर जाती तो जरूर लाती. इफ आई वेंट टू द मॉल आई वुड परचेज दैट. करते हैं फुलफिल करते हैं उसको, पूरा करते हैं. तो सपने को फुलफिल करना, ड्रीम्स को फुलफिल करते हैं, कंप्लीट नहीं करते उसको. आई वुड फुलफिल ऑल माय मदर ड्रीम्स. मॉम की ड्रीम्स जो थी मैं सभी फुलफिल करती. इफ आई वर एजुकेशन मिनिस्टर आई विल डू एजुकेशन फ्री इन द कंट्री. ओह माय गॉड, आई होप आप एजुकेशन मिनिस्टर बन जाए. वाओ कितना अच्छा हो जाएगा ना, सबके लिए एजुकेशन फ्री हो जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है. इफ आई वर द एजुकेशन मिनिस्टर आई वुड हैव Yes, I would. I will do education free. Yes, if you were not there. Yes, ठीक है guys. तो ये थी हमारी कैसे आप all the money of Mukesh Ambani. Okay, कितने grammatically correct और कितने superb sentences आप बना रहे हैं. आप अपनी imagination को मेरे तक पहुंचा रहे हैं. Very very nice, very nice, very good, superb. अगर मैं Mr. India होता तो Mukesh Ambani के सारे पैसे ले लेता. Good. If I were you, I would complete my work and help others, not for others, Chandni. If I were you, I would complete my work. मैं अपना काम complete करता और दूसरों की मदद करता. And would help others, not for others. Would help others, दूसरों की मदद करता. If I were you, I wouldn't lost the chance to meet Vandana ma'am. Oh my God, thank you Namrata so much. Thank you so much. I would not lose. क्योंकि लॉस्ट हमारी थर्ड फॉर्म हो जाती है, वुड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. बहुत ही अच्छी सेंटेंसेस. यस यस नम्रता, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, क्योंकि वुड कुड शुड मे माइट कैन कुड ये सारे हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. कभी भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म मत लगाना, कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म मत लगाना. किसी से भी बात कर रहे हैं, कोई भी सिचुएशन है, वुड कुड शुड मे माइट कैन कुड, इनके साथ ऑलवेज रिमेंबर गाइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, नो सेकेंड फॉर्म नो थर्ड फॉर्म.
चाहे नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, चाहे इंटरोगेटिव बना रहे हो, कोई भी वाक्य आप बना रहे हो, वुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। थोड़े से और सेंटेंसेस बनाइए, मैं आपकी इमेजिनेशन जानना चाहती हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे हम। गुड, बनाइए गाइस। सो कैसा लग रहा है अपनी इमेजिनेशन के बारे में बात करके? हाउ आर यू फीलिंग, हाउ इज इट? तो आप दूसरों को आप आसानी से बता सकते हैं, कोई सुपरस्टिशन के बारे में बोल सकते हैं, अगर ये मैसेज मुझे फॉरवर्ड करा ना ब्लॉक कर दूंगी मैं, इफ यू सेंड दिस फॉरवर्डेड मैसेज टू मी आई विल ब्लॉक यू, इफ यू डू दैट आई वोंट कम टू योर पार्टी। अगर वो उससे बात करेंगी तो मैं उससे बात नहीं करूंगा, इफ यू टॉक टू हर आई विल नॉट टॉक टू यू, अगर तुम उससे बात करती हो तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तो ये था हमारा फर्स्ट कंडीशनल। ये था हमारा सेकंड कंडीशनल जिसमें हम बात करते हैं अगर ऐसा होता तो ये चीज होती, मेरे पास ये होता तो मैं दोस्त को गिफ्ट करता, अब मैं आपको बात होता, अगर मेरा उस स्कूल में एडमिशन हो गया होता, इफ आई हैड गॉट एडमिशन इन दैट कॉलेज आई वुड हैव क्लियर्ड एसएससी एग्जाम या आई वुड हैव टॉप्ड, उस कॉलेज में एडमिशन हो गया होता। रिग्रेट करते हैं ना, अरे यार मेरी बस किस्मत थी, एक नंबर से मैं रह गया, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही। अगर मेरा उस कॉलेज में एडमिशन हो गया होता ना, रिग्रेट हो रहा है, तो क्या होता, मुझे इस जॉब, इस कंपनी में जॉब मिल जाती, आई वुड हैव गॉट अ जॉब इन दिस कंपनी, आई वुड हैव गॉट अ जॉब इन दिस कंपनी। तो मैं आपके साथ यहाँ पर क्या यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मेरा ये हो जाता तो मुझे इस कंपनी में जॉब मिल जाती, अगर ऐसी चीज हो जाती ना, पूरी नहीं है, मेरा बैड लग गया, लेकिन अगर ऐसा हो जाता या हुआ होता या काश ऐसा हुआ होता तो क्या होता, मेरे को इज्जत सकता था, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे, यस शुभम ये पक्का मैं फिक्स करूंगी गाइस। दोबारा से मैं स्टार्ट करती हूँ, डोंट वरी, आई स्टार्ट इट अगेन। अब मुझे बताइए, देखिए मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, जब हम सोचते हैं कि काश ऐसा हुआ होता, काश ऐसा हुआ होता, लेकिन आपको पछतावा है ऐसा हुआ नहीं है, तो हम सोचते हैं काश ऐसा हुआ होता, वुड हैव कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। काश अगर मेरा उस कॉलेज में एडमिशन होता तो मेरी ये हो चुका होता, मेरी जॉब लग गई होती अच्छे से, एडमिशन हो गया होता, तो पछतावा है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये सिचुएशन हो चुकी होती तो ऐसा हो चुका होता, वुड हैव या हो सकता था। इफ आई हैड लॉट ऑफ मनी आई कुड हैव हेल्प द पुअर पीपल, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं पुअर लोगों की मदद कर सकता था। अभी भी कोई प्रॉब्लम है बताइए, वीडियो ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही है वीडियो में मुझे बताइए गाइस, वीडियो क्लियर है? ओके, दोबारा रिपीट करती हूँ। तो इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट कैसे बनाते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब हुआ होता, काश ऐसा हुआ होता, तो आप क्या यूज करते हैं, वुड हैव और कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। वुड हैव तो ये हो चुका होता या ऐसा हो सकता था। इफ आई हैड गॉट एडमिशन इन दैट कॉलेज, अगर मेरा उस कॉलेज में एडमिशन हो चुका होता, रिग्रेट हो रहा है, अगर हो चुका होता ना तो मुझे वहां पर जॉब मिल जाती, आई वुड हैव गॉट अ जॉब इन दैट कंपनी, उस कंपनी में मेरी जॉब लग जाती या हो चुकी होती, मेरी जॉब लग जाती।
इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, अगर बहुत सारे पैसे होते, पछतावा हो रहा है कि है नहीं, तो मैं उसकी जरूर मदद करता, मैं उसकी मदद कर सकता था. आई कुड हैव हेल्प्ड हिम, कुड हैव कर सकता था. एबिलिटी को दर्शाता है, योग्यता को दर्शाता है, ये काम आप कर सकते थे. और वुड हैव बताता है ऐसा हो चुका होता. अब बताइए, अब वीडियो क्लियर है? यस गाइस, इफ आई हैड अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स आई could give all my friends. Yes, I could have given to all my friends. If I had a lot of chocolates, पछतावा है कि मेरे पास बहुत सारी chocolates नहीं थी. I could have given to all my friends. मैं सारी दोस्तों को दे सकती थी. Could have लगाएंगे आप चार में. Could have plus verb की third form. जो result है, अगर मेरे पास past में ऐसी चीज हुई होती, ऐसा हुआ नहीं है, past में अगर ऐसा होता तो ये result होता, ऐसा हो सकता था. Could have या would have plus verb की third form. If I had filled that application, I would have never seen these difficult days. Yes. अगर मैंने वो application form fill करा होता, तो ये आज ये मुश्किल वाले दिन मुझे नहीं देखने पड़ते. I would have never seen these difficult days. This नहीं बोलेंगे शिल्पा, these, these difficult days. क्योंकि आप मुश्किल दिनों की बात कर रहे हैं. Days. दिन की बात करते हैं तो this difficult day होता. THIS singular के साथ use होता है, यानी एक. THESE plural के साथ, बहुत सारे these, ये वाले जो दिन है नहीं देखने पड़ते. बिल्कुल ठीक सेंटेंस आपने बनाया, बहुत ही अच्छा. अगर ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर चुका होता तो आज ये मुश्किल का टाइम है वो नहीं देखता. बिल्कुल ठीक है. अभी नम्रता रिपीट करती हूँ, बिल्कुल रिपीट करती हूँ गाइस, डोंट वरी. जितनी बार आप बोलेंगे उतनी बार रिपीट हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट. देखिए दोबारा से समझाती हूँ. If क्या होता है, अगर कंडीशन बता रहे हैं, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये वाला आप कब यूज करेंगे, जब आप कहना चाहते हैं कि अगर ऐसा हुआ होता, अगर ऐसा हुआ होता, हुआ नहीं लेकिन अगर मेरा उस कॉलेज में एडमिशन हो गया होता, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, अगर मेरा SSC एग्जाम क्लियर हो जाता तो मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाती. अब सपोज आप कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो अपने दोस्त को बता रहे हैं, यार अगर मेरा आज SSC का एग्जाम क्लियर हो गया होता ना, तो आज मेरे पास प्राइवेट कंपनी में जॉब नहीं करनी पड़ती. इफ माय SSC एग्जाम वुड, इफ आई हैड क्लियर्ड माय SSC एग्जाम, आई वुडंट हैव बीन वर्किंग हियर. मैं यहाँ पर काम नहीं कर रहा होता. आई वुडंट हैव वर्कड हियर. वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैं यहाँ काम नहीं कर रहा होता. आई वुडंट हैव वर्कड हियर. यस Yes, should have करना चाहिए था. चंदन should have आप यूज करेंगे. Should have का मतलब होता है होना चाहिए था. Should have means होना चाहिए था. Should have का मतलब होता है होना चाहिए था. Could have का मतलब ऐसा हो सकता था. Would have हो चुका होता. दोबारा से रिपीट कर देती हूँ. See, if plus past perfect had plus verb की थर्ड फॉर्म. अगर ऐसा हुआ होता, अगर मेरी एक अच्छी जॉब लग गई होती, तो आज मैं इतना डिफिकल्ट डेज से स्ट्रगल नहीं कर रहा होता. If I had got a good job, अगर मेरी अच्छी जॉब लग गई होती, मतलब ऐसा है नहीं, तो आप अपने दोस्त को बता रहे हैं कि तो आज मैं यहाँ ऐसे काम नहीं कर रहा होता. I would have not worked here. मैं यहाँ काम नहीं करता. अगर मेरी आगे एक अच्छी जॉब लग गई होती, मैं यहाँ काम नहीं करता. I wouldn't have worked here. तो would have not यानी नहीं करता. अमृत आप भी कुछ sentences बनाइए. If I had joined your class before, I would have spoken in English fluently. If I had joined, शुभम joined, joined had के साथ verb की third form लगानी है, भूलिए मत. Had के साथ verb की first form नहीं, verb की third form. Verb की third form क्या होती है? Join. Had के साथ verb की first form नहीं, verb की third form. Verb की third form क्या होती है? Joined. अगर पहले ही मैं class में पहले ही class attend कर चुका होता, तो I would have spoken fluently. और sentences बनाइए.
क्लियर्ड, चार्मी क्लियर्ड होगा। गाइस मेक सम मोर सेंटेंसेस और मुझे बताइए क्लियर हुए आज का जो टॉपिक था आपको क्लियर हुआ। तो जब हम इमेजिनेशन की बात करते हैं कि ऐसा होता तो ऐसा होता, तो जब वी टॉक अबाउट योर इमेजिनेशन तो हम ऐसे बात करते हैं। मुझे एक बार कमेंट्स में बताइए कि मैम क्लियर है, इज इट क्लियर, समझ आया कॉन्सेप्ट? यस कमेंट्स में बताइए गाइस। If network issue hadn't happened, I would have completed my lesson. Complete कर चुका होता। Very good, very good. बहुत ही अच्छा sentence आपने बनाया। Very nice. Yes, yes, ma'am. Okay, very good, clear. तो guys, अब आप इसको आपको practice करनी है इसकी। आज हमने बहुत ही important concept सीखा है और ये बहुत ही widely used है। हम बहुत बार conversation में बात। But if she had helped me that time. If she had helped me that time, I would have completed my project before that.